Hello friends and welcome to my channel The Indian Nomad. Second day in Thailand. दोस्तों आज हम जाएंगे बिग बुद्धा, टाइगर किंगडम, फिर फुकेट कार्ट स्पीडवे में गो कार्टिंग करेंगे, उसके बाद लंच, फिर शॉपिंग एंड लास्ट में थोड़ा इवनिंग वॉक करेंगे अराउंड बांग्ला रोड पे. When is the rainy season here? This June, July. Rainy rains. And less rain when February. Yeah. And during this time it rains medium. Little bit. Sometimes. Yeah, sometimes. From Vietnam, raining from storm. Okay. Go to Vietnam is from Vietnam. We near Vietnam a little bit. Okay. How far is Vietnam from here? Oh, maybe 2 hours. Only 2 hours. Okay. तो मैं यहाँ पे जब भी आ रहा हूँ नवंबर में थोड़ा बहुत बारिश मिल रहा था. नॉर्मली जो रेनी सीजन है वो होता है अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई पे और बेस्ट टाइम टू विजिट है फेब्रुअरी मार्च, ये दोनों टाइम. मैंने भी नवंबर में आया, सडन प्लान की आने के लिए यहाँ पे. तो थोड़ा थोड़ा बारिश आती है फिर नॉर्मल हो जाती है. अभी फिर से धूप आ रही है थोड़ा, फिर बारिश आ रही है, ऐसे हो रहे हैं. तो दोस्तों हम जस्ट अभी पहुंचे हैं बिग बुद्धा पे. बिग बुद्धा एक 45 मीटर्स की मार्बल स्टैचू है. ये प्लेस अराउंड 23 किलोमीटर से पाटोंग बीच से. और दोस्तों हमने यहाँ पे आने के लिए फुल डे प्राइवेट कैब की बुकिंग की थी अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज़ में. बिग बुद्धा फुकेट की कोई एंट्रेंस फी नहीं है. हम यहाँ पे अराउंड 1-2 घंटा रहा और बहुत ही पीसफुल एरिया है, काम एंड सुडिंग. यहाँ पे आने से एटलीस्ट आप एक स्कार्फ और सैरोंग लेके आइए टू कवर अप द शोल्डर्स एंड लेग्स अगर आप स्लीवलेस या शॉर्ट्स पहन रहे हो. एग्जिट के पास कुछ सोवेनिर शॉप है जहाँ पे आप कुछ सोवेनिर्स खरीद सकते हैं. बिग बुद्धा को देखने के बाद हम जा रहे हैं टाइगर किंगडम पे. टाइगर किंगडम बिग बुद्धा से 20 किलोमीटर्स दूर पे है और अराउंड पाटोंग बीच से 5 किलोमीटर की दूरी पे है. वहाँ पे छोटी टाइगर, बड़ी टाइगर बहुत सी है. जो एकदम छोटी वाली टाइगर है और सबसे लार्ज टाइगर, ये दोनों की टिकट प्राइसेस थोड़े ज़्यादा है. और भाई मीडियम साइज वाला प्राइसेस मीडियम है, देखते हैं कैसा होता है देखने के लिए. दोस्तों वो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट पे टाइगर किंगडम की साइन बोर्ड. यहाँ पे अच्छी पार्किंग स्पेस है. अगर आप खुद कार या बाइक लेके आते हो तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो दोस्तों टाइगर किंगडम में आने के बाद पहले आपको टाइगर चूज करने पड़ेंगे. टाइगर वैरायटी चूज करने के बाद आपको टिकट्स लेने होंगे कैशियर काउंटर के पास जाके. और हम चल पड़े अभी टाइगर जोन की ओर. थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यू नो आफ्टर ऑल इट्स अ टाइगर यार. टिकट्स दिखाने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हमें उन लोग ने और हम टाइगर एरिया के पे एंटर कर लिया. ये टाइगर जो आप देख रहे हो ये लगता है कि मीडियम साइज टाइगर है. आपको टाइगर के एनक्लोजर जाने से पहले आपके जो बैग्स है, सेल्फी स्टिक एक्सेट्रा, सब चीज़ आपको लॉकर्स पे रख के जाने होंगे. तो दोस्तों एटलास्ट टाइगर एनक्लोजर के अंदर घुस गए हैं हम अभी और यहाँ पे आपको 5-10 मिनट रहने देते हैं. दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो एक न्यूबॉर्न कब की क्लीनिंग चल रही है. और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि टाइगर के साथ प्रोफेशनल फोटोज लेने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है. प्राइसेस जो रेंज करते 1000 बाट 2000 बाट ऐसे प्राइसेस लेते हैं, इसलिए मैं
रिकमेंड करूँगा कि आप खुद की कैमरा या मोबाइल से फ़ोटो खींचिए एनक्लोजर के अंदर। हो सके तो आप 100 या 200 भाट जो अंदर के गार्ड्स होंगे उन लोग को दे दीजिए, और उन लोग ऑलमोस्ट प्रोफेशनल एंगल से शूट कर देंगे फ़ोटोज़ आपके लिए, तो बेकार में ऐसे पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। टाइगर किंगडम देखने के बाद अभी जा रहे हैं हम गो कार्टिंग करने के लिए। और दोस्तों ये रहा प्राइसेस गो कार्टिंग की। मैंने डबल सीटर लिया जिसका प्राइस था 800 भट दो आदमी के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपया। और साथ में दोस्तों आप लोग को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देने होंगे इन लोग को 2000 भाट की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4500 रुपये की है। अगर आप कुछ गो कार्ट की डैमेज करते हो तब आपको ये सिक्योरिटी मनी जो है लिया है वहाँ से आपको डिडक्ट करे जाएंगे और एक्स्ट्रा भी पैसा आपको देना पड़ सकता है, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहिए। और यहाँ पे दोस्तों लॉकर्स भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। गो कार्टिंग करते करते 2 बज गए और लंच हमने एक लेबनीज रेस्टोरेंट में खाने के लिए डिसाइड किया। मेनू में बहुत सारे वैरायटी आप देख रहे हो। हमने एक जस्ट करी राइस और एक ग्रिल चिकन लिया। टेस्ट अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा लगा खाना खा के। और दोस्तों लंच के बाद थोड़ा फ्रेश फ्रूट्स भी ट्राई किया और मैं एक प्लेट वाटरमेलन लिया जिसका प्राइस था 40 भाट, अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपये। लंच करने के बाद अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए एज़ पर मोफ्टरमाज विश, आपको पता ही होगा। अभी पटोंग बीच के पास एक मॉल है जिसका नाम है जंग सेलोन मॉल, वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों आप राइट में जो एक्सचेंज काउंटर देख रहे हो वहाँ पे आप फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत करेंसी एक्सचेंजेस है फुकेट में, आप कहीं पे भी एक्सचेंज कर सकते हो फॉरेन करेंसी। लेकिन एक जस्ट टिप है, आप एटलीस्ट 2-3 एक्सचेंजेस में चेक कर लीजिए जो रेट है, क्योंकि हर एक्सचेंजेस में थोड़ा बहुत रेट अप डाउन होता है, तो एटलीस्ट 2-3 एक्सचेंजेस में देख के आप पैसा एक्सचेंज कीजिए। मोहतरमा बिजी है शॉपिंग करके और मैं ऐसे ही बोर हो रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ मॉल को देख के। थैंकफुली 2 घंटे के बाद शॉपिंग मॉल से हम निकल आए और डायरेक्ट होटल पे आ गए थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए। ये रहा हमारा होटल रूम और यहाँ पे नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है वो सब है, लाइक इलेक्ट्रिक केटल, एक फ्रिज, कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी, मिनरल वाटर एक्सेट्रा। तो ये रहा हमारा रूम, बजट होटल है, अच्छा है। शाम के 7 बज गए और जस्ट होटल से निकला हूँ और वहाँ पे पुलिस किसी को पकड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि उन फॉरेनर्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा शायद फॉर द 2-व्हीलर्स, या मे बी लाइसेंस भी नहीं है। तो आप देख रहे हो वहाँ पे पुलिस कैसे पकड़ रहे हैं इन लोग को। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप हो सके तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अपना कंट्री से निकाल के लाए टू प्रिवेंट दिस इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। दोस्तों फुकेट लाइफ जो नाइट लाइफ है वो बहुत ही हैपनिंग है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट है और हब हर पब ऑलमोस्ट फुल रहते हैं शाम को 7 बजे के बाद।
डिनर पे हम जस्ट अभी पिज़्ज़ा खाए और अभी वापस जा रहे हैं होटल के पास, और अभी रात के 2 बज गए हैं, लेकिन द नाइट इज़ स्टिल अलाइव। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अभी तक है 2 बजे के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगता है आप, और ये बहुत ही सेफ़ है। अगर आप रात को भी पैदल आते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सेफ़ है कंट्री। हेलो किटी, क्या कर रहा है तू यहाँ पे इतने रात को? अरे यार एक बार तो देख मेरे, और नहीं देखना है क्या? दोस्तों ये मेरा होटल के रूम के विंडो के व्यू आप देख रहे हो 2 बजे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर ट्रैवल वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकन। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।